तो हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। ओ वेट अ मिनट, सॉरी पंगे हो गए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर चैन अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपना एन्चेंटिंग सेटअप बनाने वाले हैं। मतलब एक अलग सा रूम नहीं होगा उसे, मतलब हल्का सा ओपन ही रखेंगे। मतलब सारा चीज़ बंद उसमें ही अच्छी नहीं लगती। और मैंने मतलब रात को ही रिकॉर्ड कराई है माइनक्राफ्ट की रात को, कि सो दैट लाइटनिंग दिख सके, मतलब लाइटनिंग के साथ और अच्छा लगता है। तो ये मैंने अपना बानोस ठीक कर दिया, और ढेर तो है ही, हम अभी भी लावा यूज़ करेंगे। बट अब मैंने वो सारा एरिया लकड़ी का कुछ छोड़ा नहीं, पूरा स्टोन से कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ पंगे होंगे, वह तो देखते हैं। और मतलब रेट देखो यार, मैंने एक स्टैक निकाल लिया, फेदर से ही पता लग गया कितनी कैसा रेट है इसका। मतलब सही चीज़ है यार, मतलब सही उसमें एफिशिएंसी बहुत अच्छी है उसमें। तो ये हमारी दो जस्ट है, जिसमें वही अपना कचरा रखते हैं। तो ये है नीचे का एरिया, फिर चलते हैं ऊपर। और ये हमारा दूसरा सेकंड फ्लोर, मतलब पूरे चेस्ट वेस्ट भर धर रखी है। भरी तो कुछ नहीं है, बने अभी इतना सामान नहीं है जो भर दे। तो चलते हैं। मैंने हल्का देखो ब्रिज कितना अच्छा लगता है रात के टाइम। ये मतलब हल्के से जो स्टार्टिंग में पिला रही है, थोड़े और चेंजेस करने पड़ेंगे। वो अभी ध्यान दिया मैंने वॉइस ओवर के टाइम, देख लेंगे बाद में कर देंगे। और बेसिकली ये हमने थोड़ा सब्सक्राइब बोर्ड थोड़ा डेकोरेट करा। हाँ, आल कसी हूँ मैं, नाम अभी तक नहीं लिखा, बिकॉज अगर मैं नाम लिखने बैठ जाता तो डेली अपलोड्स आज हो नहीं पाता। मतलब नाम हो गए थे ज़्यादा, तो मतलब अगली वीडियो तक मैं कर दूँगा, नाम लिख दूँगा सारे। इवन दो मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद नाम ही लिखूँगा, मैंने पेपर पे लिख रखे हैं सारे नाम। तो हाँ, तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एन्चेंटिंग टेबल। लेवल है नहीं, बट सेटअप बनाएंगे एन्चेंटमेंट का। देखते हैं मतलब कहीं से हम जुगाड़ करेंगे एक्सपीरियंस का। या वो नहीं समझ आ रहा एक्सपीरियंस फॉर्म कौन सा बनाऊँ। मतलब जो ऊपर ब्लॉक वाला होता है ना, वो पॉकेट एडिशन में काम नहीं करता। मतलब अपडेट आने के बाद मतलब ऊपर मॉब स्पॉन नहीं होता, जो 24 मॉब ग्राइंडर होता है ना ऊपर, वो काम ही नहीं करता। तो देखते हैं कुछ अलग बनाना पड़ेगा। फर्नेस वाला सोच रहा हूँ मैं, तो फर्नेस के लिए मुझे वो चाहिए स्लेम ब्लॉक, स्लेम स्टिक पिक्सन बनाने के लिए। और स्लेम अभी मिल नहीं रहा, तो मैं मतलब मे बी अगला एपिसोड थोड़ा लेट हो, बट मैं स्लेम वगैरह थोड़ा ढूंढ के आऊँगा। तो स्लेम ताकि मिल जाए, मतलब थोड़ा आसानी हो जाए। नहीं तो स्लाइम नहीं मिल रहा, वो आता है ट्रेडर, ट्रेडर पे माना होते हैं बट एमलेट नहीं होते, बिकॉज माइनक्राफ्ट का ग्लिच है एक, कि ये ना विलेजर और तुम्हारे अदर एंटिटीज एनिमल वगैरह वो थोड़े टाइम पीरियड के बाद वो हो जाते हैं दई स्पॉन। मैंने जो पीछे विलेजर कैद करे थे वहाँ पे अपनी विलेज में 8ों के 8ों दई स्पॉन हो रखे हैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ उनके साथ। फिर जो मैंने दूसरे विलेज में कैद करे थे जब एक्सप्लोरेशन पे गए थे, तो मैंने उनको खुला छोड़ दिया था, जो वो दो विलेजर था, कि सो दैट खुले रहेंगे तो क्या पता सर्वाइव कर जाए। तो हाँ, तो अभी के लिए मैं जा रहा था वो बनाना एन्चेंटेड टेबल। उसके लिए ऑब्सीडियन चाहिए था, ऑब्सीडियन के लिए मुझे ये डायमंड पिकेक्स चाहिए था, तो इसलिए मैंने वो ऑब्सीडियन वाला सीन काट दिया। 10 घंटे में तो ऑब्सीडियन कटता है, और नीचे नहीं जाना पड़ता मुझे ऑब्सीडियन के लिए, ऊपर एक डेजर्ट में हल्का सा वो है, वहीं से निकाल लेता हूँ, लावा पड़ा है ऊपर में। तो धरी एक पानी की बकेट और कर दिया पूरा आधा, मतलब आधा लावा चटका दिया। तो अभी एक बुक भी बनानी पड़ेगी, बुक के लिए पेपर की तो कमी है नहीं अपन के पास, पेपर तो अंधा पड़े हैं वहाँ पे। देखो शुगर की क्या मतलब मज़ा ही आ जाता शुगर देख कर। तो बना लिया अपनी एन्चेंटिंग टेबल, रखते हैं। और मतलब लास्ट में मैंने दिखा रखा है कि शायद दिखा रखा है कि
वेट अ मिनट, शायद दिखा रखा है कि मुझे अपने टूल्स पे कौन कौन से एन्चांटमेंट मिल गए। मतलब ठीक है, बस एक्सपीरियंस अप करना है हमें, तो वी आर गुड टू गो। मतलब ज़्यादा ही अच्छी वो मिल रही है, पिकेक्स पे मिल रही थी हमें फॉर्चून 3, और उस पे स्वॉर्ड पे मिल रही थी हमें लूटिन 3। तो आई थिंक सो बहुत अच्छी स्टार्ट है। मतलब इतनी मतलब स्टार्टिंग के लिए तो पिकेक्स पे वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो तो आपको पता ही है गोल्ड लेवल है ही हमारे पास। तो हाँ, मतलब एक वो बना के उसे क्या कहते हैं, अबे आयरन का जो बनता है यार, मैं नाम बोल रहा हूँ, मतलब समझ गए ना, उससे वो बना के हम अपना कर लेंगे, बो को बना लेंगे। मतलब बो को एक वैसे नॉर्मल भी एन्चांटमेंट देंगे और फिर उसके एन्चांटमेंट भी देंगे, सो दैट एक सरप्लस हो जाए। माना एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट अगर हम मैंने वो बना लिया ना, ये वाला एक्सपीरियंस, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता जहाँ तक मेरा अंदाज है। तो हाँ, और ब्लैकी भाई थैंक यू भाई, मतलब अनदर कम्युनिटी के लिए। मतलब भाई दिल्ली ले लो यार, कितनी बार जीत हो गए। मतलब मैं दिन में वीडियो अपलोड करी, उस पे थे 30-15 वो सॉरी 12-13 व्यूज़, और मैं अपना पबजी वबजी खेल के आया, मैंने देखा, मैं क्या है, मैं कि ये इतनी इतनी क्वांटिटी कहाँ पहुँची, इतने व्यूज़ कब पहुँचे। मैंने फिर मैं कहा हाँ, उसने डाल दी कम्युनिटी आई थिंक सो। तो थैंक यू गाइस जो भी वहाँ से आए हो, तो बी श्योर टू सब्सक्राइब और अपना कमेंट कर देना नाम, सो दैट आपका भी नाम आ जाए कमेंट बोर्ड में, उसमें सब बोर्ड में। नहीं तो नाम मतलब 35 के 35 तो अभी नहीं आ पाएंगे, बिकॉज मेरे कुछ सब्सक्राइबर तो ऐसे जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो वो तो कमेंट करेंगे नहीं कभी, और मुझे ना ही उनके नाम पता चलेंगे। तो हाँ, मतलब 100 के पार भी चले जाएंगे ना, तो उसके बाद भी 10-15 के आसपास मे बी और हो सकता है। तो ये मत करना कि 100 हो गए तो अब हम शेयर ही नहीं करेंगे अपने दोस्तों के पास। देखो फॉर्चून 3 मिल रही है ना, उसके बाद भी मिलेंगे, बट मतलब देख लेंगे, जैसे ही 100 होंगे हम कर देंगे। और हमारा दूसरा बोर्ड इधर ही कहीं बनेगा, जिस साइड ये है ना अपनी एन्चांटमेंट रूम, इधर ही कहीं बनेगा अपना दूसरा सब बोर्ड, क्योंकि एक पे तो सारे नाम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक सेट 6 नाम आ रहे हैं और फिर एक सेट 5 आ रहे हैं, तो 6 5 11, 11 11 22, क्योंकि 4 साइड है, 22, एक लेयर ऊपर है एक नीचे, 22 22 44, तो एक बोर्ड पे 44 नाम आ रहे हैं। तो मुझे दूसरा भी बनाना पड़ेगा, मतलब उसकी उसमें ही, मतलब मैं कुछ और जुगाड़ कर दूंगा जैसे 6 नाम और आ पाए, कि मतलब एक ही बोर्ड पे 50 हो जाए, दूसरे पे भी 50 हो जाए, तो वो इक्वली बैलेंस हो जाए। और मतलब मैंने एक्सपीरियंस फार्म अपना उसमें भी क्रिएटिव में भी बना के देखा, मॉब ग्राइंडर, बट मॉब ग्राइंडर काम ही नहीं करता यार, मतलब गलत सीन है उसके साथ, बना दो ऊपर 22 ब्लॉक ऊपर इतना सारा रिसोर्सेज जाते हैं और फिर काम भी नहीं करता। इसलिए मैंने, मुझे पता था कि काम नहीं करता, बट मैंने ऐसे एक टेस्ट देने के लिए मैंने क्रिएटिव में गया, मैंने बनाने की कोशिश करी, बट इट्स डजेंट वर्क। तो देखते हैं अपना वो ये बनाएंगे, वो मशीन आवाज़ तो बहुत ज़्यादा करती, बहुत ही ज़्यादा करती, बट हाँ वो ये बनाएंगे जहाँ तक अभी तक है। तो अगले वीडियो में भी हल्का सा टाइम लग जाए, बिकॉज स्लैम ब्लॉक ढूंढने में परेशानी हो रही है, मिल नहीं रहा। मैंने एक्चुअली इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कोशिश करी थी कि स्लैम ब्लॉक मिल जाए, तो इसी वीडियो में अपना एक्सपीरियंस फॉर्म बना दें, बट नहीं मिला स्लाइम ब्लॉक, चंक ही नहीं मिल रहा। तो बताना किस कोई एक तरीका हो कि जिससे मैं स्लाइम ब्लॉक ढूंढ सकूँ, बिकॉज एक्सपीरियंस फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है यार, एक्सपीरियंस के बिना कुछ एन्चांटमेंट ही नहीं होती। और इनसे तो मैं मतलब मेरी आपको पता ही है ना कितनी गंदी आदत है, मेरे ख्याल से अभी तक पता नहीं कितनी बार मर चुका हूँ, वो एक्सपीरियंस बार बार चला जाता है यार।
बनाते हैं, अभी तक तो ये डिज़ाइन बना, मतलब ऐसे ही रैंडम बिल्ड करता गया, और फिर एंड में देखा तो ठीक है, मतलब इतना गंदा नहीं लग रहा। और तो अपनी बिल्डिंग तो है ही थोड़ी सस्ती, क्या करा, मतलब ऐसे ही बनाते चले जाते हैं, कुछ भी बन जाता है, फिर उसको ही मतलब गेर देते हैं ऐसे कहीं भी। तो अपना ये गलत में मेरा ऐसा हो रखा है कि सुबह उठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा है क्या पता नहीं। तो चलो एक साइड ही बची अपना, तो बनाते हैं सभी। हाँ मतलब आज भी मतलब 3 दिन से कंटिन्यूटी में हो रहा है, मैं साले को बैकग्राउंड में जाके मतलब वही कर दूँ कि साला कभी खोले ना, आज भी गूगल असिस्टेंट खोल गया, मतलब हद हो रही है इसकी, पिछले 3 एपिसोड से कॉन्टिन्यूसली खुले जा रहा है बैकग्राउंड में, खुले जा रहा, खुले जा रहा, खुले जा रहा, करना पड़ेगा इसको कुछ जुगाड़। बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड से हटा दूँ, ऐसा फ़ोन से नाम ही नामो निशानी हटा दूँ, साला कुछ एडिटिंग भी नहीं करनी, वॉइस ओवर भी नहीं करने देता ढंग से। बट कोई नहीं, अपना बनाते हैं डेकोरेशन, वापस करते हैं स्टार्टिंग। वो रोक नहीं सकता अपनी वॉइस ओवर से, तो अभी तक तो यही सोचा है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि वो लगा दूँ जलती आग, क्या बात कहते हैं उसे, बोन फायर कहते हैं कुछ शायद। हाँ मैं मतलब एंगल ढूंढ रहा था कि मेरे घर के साइड से कौन सा, तो रुको पहले ये साइड हटा दूँ। और हाँ मैं अपनी तलवार की ड्यूरेबिलिटी की ऐसे तैसे मार रहा हूँ, बट कोई नहीं चलता है, अपनी तलवार तो इधर आ छोड़। तो ये है पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली तो अच्छा लग रहा है, मतलब इधर से भी अच्छा ही लग रहा है, इतना गंदा तो लग नहीं रहा, बिकॉज मैंने अपने तीनों क्या कहते हैं उसे लकड़ी, तीनों टाइप की लकड़ी जितनी भी लकड़ी थी मैंने सारे फूंक दिए इसमें कि ये अच्छा दिखे। ये कौन कौन सी लकड़ियाँ होती हैं यार, मुझे इनके नाम भी नहीं याद, एक तो नॉर्मल, फिर ये लकड़ियों के नाम नहीं याद होते यार मुझे, ओक, एक फिर तुम्हारी इसका नाम ही स्पेल नहीं होता, रेड वाली समझ जाओ, आर्केसिया, एक भाई ने पिछली वीडियो में कमेंट भी करा था बट पता नहीं, और एक भाई ने कहा था शाउट आउट भी देना भाई, मैं मतलब जब सब बोर्ड पे नाम लिखवा ना तो एक एक के नाम पढ़ दूंगा मैं कि ये बंदे का नाम है, ये बंदे का नाम है, मतलब लिखने के बाद पूरे मतलब सबका नाम पढ़ दूंगा मैं, चिंता ना करो। और मतलब तो कोई भी अगर नया भी आएगा तो उसका भी नाम बोल के ही लिखा जाएगा। और ये जो मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ ना, ये मतलब अब नहीं करता मेरा रिकॉर्डर नशे, मतलब हाँ हल्का सा FPS ड्रॉप देता है, बट मैं वो नहीं करता कि हाँ बैकग्राउंड में साला क्रैश ही हो जाए और जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उसके साले अच्छी तरह सही हो जाए। तो हाँ, और मैं ये भी देख रहा था कि टाइम कितना हो गया रिकॉर्डिंग करते हुए, कि अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो मतलब वो भी कर लेता, अपने आसपास के एरिया भी डेकोरेट कर लेता। तो सबसे पहले तो फ्री की चीज़ डेकोरेशन के लिए, जो कि हमारे पेड़ पेड़ लगा दो, तो ऐसे कहीं भी रैंडम भी, मतलब हरियाली भी रहेगी प्लस थोड़ा सा डेकोरेटिव भी हो जाएगा, ईजी लाइफ। तो ऐसे रैंडम पेड़ लगा दो, पेड़ उग जाएंगे, ये पता नहीं मैंने कब पहले ही लगा दिया था, तो हाँ सारे लगा दिए। ये मतलब घर का, ये घर से थोड़ा पंगे लेगा तो हल्का सा साइड में लगाते हैं, पता चला घर में ही घुस गया आधा पेड़, मतलब पता नहीं ये कौन से बग लिया आए, साला आधा पेड़ मेरे घर में घुस जाए, फिर पता चला वो बैठ के वो पत्तियाँ तोड़ रहा हूँ मैं, कोई नहीं देखता। और मतलब एक बार विलेजर हो जाए तो मतलब एमरेट की तो कमी ही नहीं रहेगी अपने पास, बिकॉज इतना सारा शुगर कहना है, अपने पेपर बदलेंगे, पेपर बेचेंगे, अपने मस्त एमरेट कमाएंगे, और उसको एक बार जोम्बी से स्लेयर करके उसके अपनी ट्रेड भी सस्ती करा लूँगा कि सो दैट मेंडिंग सस्ते में मिल जाए थोड़ी सी, मतलब ऐसे ही लेंगे हम मेंडिंग, ढूंढने का मन नहीं है, मतलब उस पर वहाँ से तो बहुत मुश्किलें मिलती हैं। और तो बस, तो मैं एक्चुअली वहाँ पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे, रुको तो कहाँ से आ रहा, मतलब ये पता नहीं क्या है मेरे हर हर थॉट
थोड़ी थोड़ी देर में मेरे इस पे आके वो बैठ जाते हैं एनिमल, कभी गाय बैठती है कभी शीप बैठती है, पता नहीं क्या सीन है। तो मैं यहाँ पे हड्डी लेने आया था, और उसका रेट भी देखो, मैं अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में देख के गया था जब एक थी, और अभी 12 या 13 आई थिंक सो। तो हाँ मतलब ये बहुत अच्छा है, और अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो बताना यार, मच्छर परेशान मत करना यार, वॉइस ओवर करने दे साले। तो अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो बताना, अपना तो बना देंगे, कोई नहीं। तो पहले तो हल्की सी बोन मिल इधर उधर, नहीं पहले अपनी ये वॉल लगाता हूँ, वही अपनी सस्ती डिज़ाइनिंग। तो वॉल इस बार थोड़ी ना हम मतलब दूसरी टेक्सचर की लेंगे, इसकी एशिया, अब एशिया की बोल रहा हूँ, ये बोला नहीं जाता यार वर्ड मुझसे, आर्केशिया, छोड़ो यार तुम समझ जाओ, लाल लकड़ी, लाल लकड़ी नाम ले दो इसका। तो बेसिकली आज इससे डिज़ाइनिंग करेंगे, और एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास दूसरी वुड नहीं है कि मैं दूसरे वेब फैंस बना लूँ, तो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, पर उस बात को छोड़ो। चलो तो ये बनाते हैं अपनी वही सस्ती डिज़ाइनिंग, वही मतलब अपने पास तो वही है, ले देगा टेक्सचर चेंज हो गया बट डिज़ाइनिंग वही रहेगी यार। मतलब किसी कोई और वॉल डिज़ाइन मिलते नहीं है, मतलब कोई और वॉल डिज़ाइन मिलते हैं तो लेट मी इन्फॉर्म, और इंस्टा इंस्टा पे मुझे अपनी क्लिप भेज दो, मैं आपकी शाउट आउट के साथ आपकी क्लिप यूज़ करूँगा, मतलब ये नहीं कि हाँ यूज़ कर लिया और कुछ नहीं, शाउट आउट दूंगा फिर, मतलब कि इस बंदे ने मुझे क्लिप बताई है, भाई जितना नाम लिया जाएगा उस भाई का। और हाँ तो मुझे आवाज़ आती है, मैं ज़ॉम्बी देखता हूँ, तो मुझे ना एक नीचे मुझे ज़ॉम्बी स्पॉनर पे भी थोड़ा शक हो रहा है, बिकॉज़ मैं जब भी लास्ट बार नीचे गया था ना तो बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी पड़े थे नीचे, मैं क्या जैसे आसपास कोई स्पॉनर हो, बट मैंने ना बहुत देर वो एरिया तलाशा बट मिला नहीं यार कुछ, ना ही स्पॉनर मिला, स्पॉनर का तो नामो निशान नहीं था, मतलब पता नहीं वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, मेरे ख्याल से तो वहाँ पे स्पॉनर ही था बट पता नहीं मिल नहीं रहा। कोई नहीं देखते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है स्पॉनर ही, बिकॉज ज़ॉम्बी स्पॉनर बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज हमें वो भी मिल जाएंगे ट्राइडेंट, मैं ड्रोन में कन्वर्ट करके ट्राइडेंट ले लेंगे, फिर ट्राइडेंट अच्छी चीज़ है, मतलब वेपन है बना लेंगे, कभी ना कभी तो कुछ से काम तो आ जाएगा। तो हाँ तो अभी करते अपनी वही सस्ती डिजाइनिंग। तो यहाँ तक ठीक है, अब दूसरी साइड बनाता हूँ, बिकॉज फेंस लिमिटेड है, और अभी लकड़ी काटने गया तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो ये फेंस मैं बाद में कंटिन्यू पूरी कर दूंगा, तो क्या होगा चल कोई नहीं, तो फेंस मैं बाद में पूरी कंटिन्यू कर दूंगा कि बाद तक बन, मतलब पूरा अपने उसके उस तक बन रही है। और हाँ तो ओ पेड़ भी गया, अच्छी बात है, नाइस। तो ये अभी हम डालेंगे बोन मिल, बोन मिल कहाँ है हमारी, नहीं पहले यहाँ का हल्का सा एरिया बनाता था घूमने के लिए, वो पीछे के उतना ही एरिया रहेगा, हल्का सा यहाँ का एरिया, मतलब बोन मिल चाहिए, बोन मिल हम उससे ले लेंगे अपने कंपोस्टर से, जितने भी सीड है हमारे पास सीड गिर देते हैं उसमें, बहुत सारी सीड है। तो हाँ और अगर आपका इस ये कन्फ्यूजन में हो कि मैंने इतने सारे वो कहाँ से बनाए, क्या कहते हैं सर बुकशेल्फ, तो मैं यह तो अपने सेकंड एपिसोड में मर गया था, तो मैं उसी विलेज में गया, उससे अपने हेबेल भी उठा लाया, मतलब मैं हेबेल लेने गया था क्योंकि मेरे पास खाने की कमी थी, तो हेबेल लेने गया तो वहाँ पे एक लाइब्रेरियन भी खड़ा था जो मेरे ख्याल से फॉर्च्यून 1 प्रोवाइड कर रहा था, तो हमें वो चाहिए नहीं थी, मैं अपनी लाइब्रेरी बुक उठाई और मैं आ गया, मैं क्या छोड़। तो अभी देखते हैं पहले कौन कौन सी इंचांटमेंट मिलती है, मैंने ढाला, चलो तो इस पे तो पता ही है आपको फॉर्चून 3 मिल गया, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं जब फॉर्चून 3 लूँगा ना मुझे बस फॉर्चून 3 ही मिलेगी, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी, और कुल्हाड़ी पे भी फॉर्चून 3 मिल रही है और इस पे भी फॉर्चून 3 मिल रही है, तो फॉर्चून 3 तो ऐसे फ्री के लंगर बेटर हो जैसे ऐसे ले लो। तो हाँ गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आज थोड़ा अलग टाइप से आउट्रो करेंगे थोड़ा सा ऊपर आके,
मतलब मैंने कसम से अगर मैं वो डाल देता ना, बहुत लंबी वीडियो होती कि यहाँ तक कैसा है, मतलब बहुत परेशानी। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बी श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, और अगर चैनल पे न्यू हो तो कमेंट में नाम लिख देना, बिकॉज अभी सब बोर्ड ओपन है, सब बोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा। सो टाटा, टेक केयर।